तो पिछली वीडियो में आपने देखा था, आपको आधा हमने है ना नाई उंदरी दिखा दिया था, अलसी घर भी आधा दिखा दिया था। आज पूरा आपको अलसी घर दिखाएंगे। तो हम सारे दोस्त बाइक लेके जा रहे हैं, तो सीधा आपको अलसी घर पे मिलते हैं। तो सिंपल सा यहाँ से हमने स्टार्टिंग की जर्नी, या आधे रास्ते से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जर्नी, क्योंकि उदयपुर से हम कब से निकल गए थे घूमने के लिए। तो आप देख सकते हैं अलसी घर का रास्ता यहाँ से चालू होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार चारों तरफ वादियाँ दिखाई दे रही है, और आप सामने देख सकते हैं नदी जो कि बहुत बड़ी है, डैम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, बहुत खतरनाक। तो आगे आप देख सकते हैं कितनी शानदार वादियाँ है, और नदी देख सकते हो, मतलब नदी भी है और डैम भी है, दोनों है। तो हम इसके क्या करेंगे, अलसीगढ़ मतलब जाने के बाद टॉप पर एक घर है, वहाँ आपको व्यू दिखाएंगे। ऊपर से एक घर भी है, छोटा सा कमरा बना रखा है, जहाँ आप रुक के वहाँ से रेंट पे 200 300 या 500 रुपए के अंदर अंदर वो रूम रेंट पे लेके आप खाना वाना बना के बैठ सकते हो। और हमने यहाँ पे है ना वो मतलब व्हील वाली गाड़ी भी चलाई, व्हील वाली तुम समझ गए हो कि पेड़े वाली, मतलब कि बैरिंग होती है, बैरिंग बैरिंग की गाड़ी चलाई हमने, बहुत मज़ा आया। तो हम यहाँ से देख सकते हो कितने पहाड़ों में आराम से, मतलब कि ऐसा लग रहा है लेह लद्दाख जैसा हो, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें भी। तो हम यहाँ से सीधा जाने वाले, अब यहाँ से आप देख सकते हो पूरे पहाड़ी पहाड़, ये अभी भी नदी, मतलब हम धीरे धीरे पास जाते जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या हम पहाड़ों के बीच में जाएंगे, जहाँ पर है ना पहाड़ों के बीच में जो पानी होता है क्रिस्टल वाटर, उसके अंदर हम शॉवर लेंगे, जो कि बहुत मज़ा आएगा। तो आप बने रहिए, आपको आगे बताएंगे। वो देख सकते हो आप सामने वो कमरा है, जहाँ पर लोग खाना वाना बना रहे हैं आराम से, और वहीं बैठ के इंजॉय कर रहे हो। और यहाँ भी आज संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है जो, और यहाँ बेरिंग गाड़ी भी चला रहे बहुत से लोग, मतलब कि बेरिंग गाड़ी, बच्चे छोटे छोटे कह रहे हैं कि बेरिंग गाड़ी का किराया दो किराया दो, जो कि 10 से 15 रुपए या 5 रुपए हैं। देख सकते हो हरियाली है, और यहाँ एक झरना है, वो रहा नीचे, ये सारे जा रहे हैं वहाँ नीचे देखने। अब हम वहाँ जाएंगे, आप देख सकते हैं हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे, और मैं आज यहाँ से चिल्ला रहा हूँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और पावर्स रिटर्न। तुम देख सकते हो कितने पहाड़ों में हम, वो रहा नीचे क्रिस्टल क्लियर, मतलब कांच जैसा पानी साफ है नीचे, दिखाता हूँ। एक वो रहा आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्रिस्टल वाटर है, तो बहुत शानदार लग रहा है। वहाँ जाके हम शावर लेंगे और इतना मज़ा आएगा, मतलब हम नहाएंगे स्विमिंग करेंगे वहाँ। और ये आप देख सकते हैं इन दोनों का मैं फोटो ले रहा हूँ, और मैं यहाँ जोर से चिल्लाया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो पापा दोबारा से आवाज़ गूंज गई, जो इतना शानदार लग रहा था। तो आपको भी आगे जाके मैं दिखाता हूँ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब पहले कर देना। और तुम देख सकते हो कितनी शानदार वादियाँ है यहाँ पे, और अब नीचे उतरूंगा मैं सिंपल सा। और आप देख सकते हो मेरे दोस्त वहाँ पानी के पास पहुँच चुके हैं, और मैं अभी तक ऊपर ही हूँ, कि मेरा हाथ में हेलमेट है, बैग है, और भी बहुत सारा सामान है, इसलिए मेरे ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ तो पता चलता है कि मेरा हाथ पाँव पर लग गई है, क्योंकि मैं नीचे गिर गया था एकदम से, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे से गलती हो गई, एकदम से उतरा मैं। ये देख सकते हो मेरे हाथ में लग गई है, और मेरे हेलमेट के भी स्क्रैच आ चुके हैं, जो कि मैंने पीछे लटका रखा है। तो यहाँ एकदम से स्लिप खा सकते हो, क्योंकि बारिश का टाइम है, एकदम से पाँव स्लिप खा जाता है, और आप गिरने की संभावना तो इतनी है कि क्या बताऊँ। ये देख सकते हो आप मेरे हेलमेट के स्क्रैच हो गए, जो कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, नया हेलमेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये एरिया, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और पहाड़ के बीच में ये जो कि घेरा नहीं है, खाली पाँव तक है। तो मैं इनको कह रहा हूँ रुक जाओ, मैं बहुत जल्दी चलता हूँ, यहाँ इतनी मुश्किल से पहुँच चुके हैं इस पहाड़ों में, ठीक है ना। तो सिर्फ चावल लेंगे यहाँ, तो यहाँ हम चावल ले रहे फटाफट से इन पहाड़ों के बीच में। तो हमने यहाँ सब ने नहा लिया, पर आगे बहुत ज़्यादा गहरा पानी था, हमें नहीं पता था, तो भी हम गए ट्राई करने के लिए कि क्या पता आगे जाके मज़ा आएगा। तो गहरा पानी ये समझ लो एक आदमी डूब जाता है, वो पानी एकदम क्लीन था, पर हम इतने जोर जोर से कूद रहे थे, वो पानी को उछाल रहे थे, जो कि पानी साफ था, पूरा गंदा हो चुका है। तो यहाँ मैं कूद रहा था, और मेरा दोस्त के ऊपर मेरे को बड़ा गुस्सा आया, उसने मेरे कपड़े हैं ना इस पानी में डाल दिए, पूरा गीले कर दिए, क्योंकि मैं अलग से कपड़े लेके आया था। तो उसको बोला कि तू, हम गीले हुए तो तू भी गीला होगा, और तेरे भी कपड़े गीले ही रहेंगे, तो ऐसी बात हो गई। तो उसने मेरे सारे कपड़े पानी में डाल दिए थे, मेरे को बहुत बुरा लगा। अब ये देख सकते हो यहाँ बहुत गहरा है, जो हम तैर के आने की कोशिश कर रहे थे, ये देख सकते हो मैं तैर के आ रहा हूँ यहाँ। तो उधर बहुत ज़्यादा गहराई थी, क्योंकि है ना उधर है ना, आप मान लो कि एक आदमी डूब जाए, इतना गहरा पानी था उधर। और आप देख सकते हो सामने क्यों पुरानी, ऊपर आ गए चुके हम,
हाल तो बहुत डाउन हो गए यार ऊपर चढ़ से, और इसने साले ने मेरे कपड़े अंदर फेंक दिया, पेंट पूरी गिल्ली हो चुकी है। ये देख लो यार, कपड़े अंदर फेंक दिए, गिले हो गए कपड़े, ऊपर ही चढ़ते हैं। इतना नहीं लगा था चलने में, आते समय हालत भी घट गई है पूरी। हाँ, वो तो दौड़ के आगे नहीं, वहाँ जाना अभी तक तो आप देख सकते हैं वो दीवार दिखाई दे रही है, वहाँ तो कितना दूर है। हालत भी हाल हो रही है मेरी, वो साला एक किट हेलमेट एक बैग। बहुत ज़्यादा थकने के बाद वापस से मैंने बाइक उठाई और अब मेरा मन हुआ चलते हैं रायता। रायता है ना आदर्श से पड़ता है, तो आप पहले रायता जा सकते हो, वो भी उदयपुर के पास में है और अलसीगढ़ बहुत ज़्यादा दूर है उदयपुर से। तो हम पूरा 100 किलोमीटर का राउंड करके, मतलब अलसीगढ़ 100 किलोमीटर हम इन पहाड़ों में चले और फिर जाके हम रायता पहुँचे, फिर रायता से डायरेक्ट हम उदयपुर से निकले हम अलसीगढ़ के लिए। तो हमें बहुत टाइम लगा, फिर अलसीगढ़ से हम रायता गए और वापस उदयपुर आ गए, क्योंकि उदयपुर के पास में ही है रायता। तो हमने वापस से हमारी जर्नी स्टार्ट कर ली, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में, क्योंकि पहाड़ों में क्या मज़े से वादियाँ। और हम यहाँ के लोकल गांव वालों से मिले, जो हमको बड़ा अच्छा लगा बात करके। आप देख सकते हो वादे ही वादियाँ यहाँ चारों तरफ हमें, मतलब हम वापस जाने लग गए उसी रोड पर। तो थोड़ा वापस उसी रोड पर आना पड़ता है, फिर नई एक और रोड पकड़ के फिर उधर घूमना पड़ता है। ये देख सकते हैं ऊपर टर्न रहेंगे रायता और सीधा जाएंगे तो उदयपुर। ये देख सकते हैं गांव वाले से बात करके बहुत मज़ा आया हमें भी, ये अलग अलग बातें सुना रही। ये पूछ रहे थे कि आपके ये क्या लग रहा है हेलमेट पे, तो मैंने बताया एक कैमरा है जिससे मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ और सभी की वीडियो ले रहा हूँ। यहाँ के सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि पैसे दे दो या कुछ भी खरीद लो हमसे। तो यहाँ के बच्चे भी है ना, मतलब कुछ बेच के है ना, मतलब बेचते हैं कुछ भी, मतलब आप समझ लो कि एक सर्विस देते हैं आपको, जिसकी वजह से आपको भी मज़ा आ जाता है। मतलब सर्विस मतलब बैलगाड़ी से चलाना हो कि कुछ भी ऐसे गाड़ी चलाना हो कि गाय के आपने, मतलब आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। तो यहाँ के क्या है कि गांव के बच्चे सारे ऐसे ही है, तो पैसे भी मांग लेते, वो कहते हैं ऐसे ही दे दो पैसे हमें खाने के लिए कुछ भी, मतलब ऐसे ही मतलब घूमते घूमते आ जाते हैं या फल फ्रूट बेचने लग जाते हैं जंगलों से छोड़ के। हम यहाँ एक और जगह रुके, आप देख सकते हैं यहाँ और अच्छा पानी बह रहा था, पर हम सब नहाए हुए थे तो भी मेरा मन हुआ कि मैं दोबारा से नहाऊंगा और मैं जाके पानी में कूद गया। यहाँ से कूदा था मैं तो मेरे पाँव में बहुत जोरदार की लगी, तो मेरे पाँव में लगने के बाद पानी के अंदर लगी एक कांटा चुभ गया था, मुझे लगा कि अब खून ही खून हो जाएंगे, पर हल्का से ही अंदर गया था वो, वरना मेरी 12 बज जाती। और मेरे सिर पर भी लगी, क्योंकि मैं यहाँ से स्लिप होके ये जहाँ झरना बेरा है वहाँ भी मैं गिर गया था, तो मेरे सिर पर भी लगी थी। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना आप, तो आपके साथ ऐसा ही होता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। और आप देख सकते हो सभी जने नहा रहे, पानी को कूद कूद के सबने गंदा कर लिया, सारे ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ ड्रिंक तो आप पूछो मत, वहाँ ड्रिंक कर रहे थे आगे, और आगे ही ये खाना बना रहे थे नॉन वेज जो भी इनके बना रहे थे, और यहीं पे कैंपिंग कर रहे थे अधिकतर लोग जिनको मज़ा आ रहा था। ये आप नीचे देख सकते हो आधे लोग पत्थर पे बैठे हुए और नहा रहे इन्जॉय कर रहे, और आगे कैंपिंग कर रहे वो जो कि खाना बना रहे। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, पर हम यहाँ रात रुकने के लिए नहीं आए, इसलिए हम वापस दोबारा से निकल गए। तो हम निकलने के बाद क्या हुआ कि अब मेरे क्या है कि लगी है सिर में, तो थोड़ा मेरा सिर भी घूमने लग गया और मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए, क्योंकि हम बारिश में भी भीग गए। और जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर पहुँचते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख सकते हो क्लाउड आते जा रहे हैं, मतलब बहुत शानदार व्हाइट क्लाउड। और व्यू देखो यार, व्यू अब सारे दोस्त भी बोले हमें किस तरफ कैमरा ले, तो वो सब चिल्लाने लग गए और मेरे दोस्त को मैंने बाइक दे दी, क्योंकि मेरा सिर बहुत दुखने लग गया और अब मेरे से व्लॉगिंग नहीं होगी मोटर व्लॉगिंग, इसलिए मैंने फोन में ले लिया और हाथ से व्लॉगिंग करने लग गया, क्योंकि मोटर व्लॉगिंग में अब मेरा सिर दर्द करने लग गया था सिर पर लगने के बाद। अब जैसे ही हम जा रहे हैं आगे, तो हम जा रहे हैं अब रायता के लिए। क्या हम सब जाने से रास्ता पूछते जा रहे, क्योंकि हमें भी इतना आइडिया नहीं, हम उदयपुर के तो भी हमें इतना नहीं पता था। तो भी हम पहुंच गए रायता की तरफ, और देख सकते हो आगे उस पहाड़ पे रायता है, तो उस पहाड़ पे हमको बाइक लेके जानी है, तो अभी हमें टाइम लगेगा। तो हमें आधा घंटा लगा और हम पहाड़ पे पहुंच गए। धीरे धीरे हम चढ़ाई कर रहे थे बाइक से, पर मज़ा आ रहा था बाइक पर। तो यूँ मान लो हमने 150-300 रुपये, मतलब 400 रुपये का तो पेट्रोल मान ही लो बाइक में चाहिए। अब देख सकते हो कितनी ज़ोरदार ढलान, अब ऊपर से कार भी आ जाती है, तो भी हमें है ना साइड में लेके खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि दो कार एक साथ नहीं निकल सकती, और बाइक हो तो निकल जाए, वरना एक कार और एक बाइक निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है।
तो आप देख सकते हैं मतलब अब धीरे धीरे क्लाउड भी आने लग गए, मतलब धूल मतलब ओस आने लग गई ऊपर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद, क्योंकि हम बहुत सी बार पहाड़ों पे, उदयपुर में सबसे ज़्यादा पहाड़ और यहीं घूमने में यही मेन है घूमने का सीन। और यहाँ हम पहाड़ पे पहुँच चुके हैं और देख सकते हो आप चारों तरफ अब यहाँ अच्छी सी रोड मिल चुकी है और क्लाउड भी कितने शानदार है। आप देख सकते हो ऊपर हरियाली हरियाली हो रही है और ये देख सकते हैं यहाँ बहुत से लोग देखो टाटा टाटा कर रहा है वो बाय बाय, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग मतलब मिल जाते हैं आधे रास्ते में बाय बाय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं धीरे 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 हम और ऊंचाई पे जाएंगे। अभी तो मतलब रायता बहुत ऊंचाई पे है जो कि उदयपुर के पास में, पर हम घूम के आ रहे हैं तो हम अब ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ भी लोग बहुत सारे कैंपिंग कर रहे हैं और यहाँ मतलब कि बारिश में सबसे ज़्यादा माहौल है, वरना और कौन से सीज़न में नहीं। और यहाँ जो हमें भैया मिले ये यूपी से ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं, जो कि हमें भी इनसे मिलकर बड़े मज़ा आया और बहुत अच्छे भैया, इनका भी यूट्यूब चैनल है ठीक है ना। और ये ऑल इंडिया राइड वालों से भी जुड़े हुए हैं जिनका एक ग्रुप है जो कि ये पूरा इंडिया का राइड कर रहे हैं। फिर हमने भी इनको उदयपुर का रास्ता बताया तो ये भी हमारे साथ ही आ रहे। ये देख सकते हैं आप विंटेज कारें पड़ी हैं यहाँ जो कि शादी में यूज़ होती है, जो कि यहाँ मतलब ऐसी पड़ी हुई है मतलब कि क्यों पता क्यों ये जीप वीप। और हम पहुँच गए सिंपल सा और पहाड़ों पर जाने के बाद ये आ गया रायता। रायता हमें थोड़ा दूर पड़ा है तो उदयपुर के पास, पर हम उदयपुर से थोड़ा दूर जाके अलसीगढ़ होके फिर रायता आए फिर उदयपुर जाएंगे। तो हम पूरा राउंड करके आ रहे हैं 100 किलोमीटर का घूमते घूमते पहाड़ों में, जिसका मज़े ही अलग है क्योंकि इन पहाड़ों में घूमने में जितना मज़ा आता है वहाँ कहीं भी नहीं आता है। वो पहाड़ इतने शानदार है बादलों के बीच, जिसकी बात ही अलग है आप देख सकते हैं। और अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे रोड पतली होती जा रही है, तो हमें भी डर लग रहा है कि एक साइड खाई जैसा है तो हमें भी डर लगने लग गया इतनी ऊंचाई पर। पर हम आखिर बार उदय मतलब रायता पहुंच जाते हैं। रायता पे यार संडे के दिन तुम भीड़ देखो, कारें खड़ी करने की जगह नहीं है, मतलब इतनी लंबी लाइन जबकि ऊपर है रायता। और रायता बेसिक सी बात है कुछ भी नहीं है, खाली पहाड़ों के बीच से जो व्यू दिखाई देता है उसे रायता हिल कहते हैं। रायता हिल मतलब वही पहाड़, तो रायता हिल कहते हैं। और यहाँ से बहुत शानदार व्यू दिखता है, आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हो, बहुत से लोग तो कर भी रहे थे जो कि फोल्डिंग चेयर ला के यहाँ बैठे हुए थे, चाय बना रहे थे और मैगी बना रहे थे। और नॉनवेज तो इतना कोई बना नहीं रहा था, पर अलसीगढ़ में नॉनवेज बहुत ज़्यादा बना रहे थे और ड्रिंक भी चल रही थी बहुतों के, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव करना बहुत रिस्की है। यहाँ पर बहुत ज़ोरदार रोडें हैं मतलब पहाड़ों के बीच में, जिसकी वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ। तो अभी लोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पुलिस का इतना नहीं है तो लोग कर रहे हैं। और संडे भी और बहुत ज़्यादा क्राउड भी है यहाँ, तो मेरे को भी मज़ा आया। और हम यहाँ इतना नहीं रुके क्योंकि हम पहाड़ देख देख के घबरा गए थे, तो हमें यहाँ इतना मज़ा नहीं आया जितना हमने इससे भी अच्छे अच्छे पहाड़ देख लिए थे। तो अब सिंपल सा हम घर के लिए दोबारा से लौट रहे हैं, हमारी ये लाइफ जर्नी थी। तो हम नीचे उतरेंगे, वहाँ जाना हमें पूरी इस पहाड़ से होके होके। और रोड भी बहुत पतली है तो तुम देख सकते हो मतलब एक कार आ सकती है, इतनी ही रोड है। और एक कार को थोड़ा नीचे उतारने के बाद ला सकते हो क्योंकि इतनी पतली रोड है यहाँ। हमें भी थोड़ा डर लग रहा था तो भी हमने उतारी बाइक। बाइक में इतना रिस्क नहीं है जितना कार में है, क्योंकि कार में स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए और कार में सबसे ज़्यादा डर लगता है यहाँ पर पहाड़ों में। तो भी हम सोचा कि चलो, और हमें तो बाइक पे तो मतलब कार में इतना एंजॉय नहीं होता है जितना बाइक पे होता है, क्योंकि आप है ना नेचर से जुड़ते हो यहाँ, बहुत ही शानदार मज़ा आता है। यहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके और हमने सारा चाइनीज़ खाना खा लिया। हम सब के कपड़े गीले हो रहे थे और एसी चल रहा था तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी हमारी, 12 बज गई। तो वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। और 5K के लिए सभी को यार दिल से धन्यवाद ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।